यदि आप एक प्रश्न पूछते हो, मनुष्य का उत्तर आपको संतुष्ट नहीं कर सकता है, मनुष्य का सांत्वना आपको हेल्प नहीं कर सकता है, पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन हमें कहता है, यहोवा ये कहता है। विषय में दुनिया क्या बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग क्या बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहोवा क्या बोलता है फर्क पड़ता है। नहीं जानने वाले कुछ कल्पनाएं परमेश्वर का है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपके भविष्य के बारे में आप नहीं जानते होंगे, पर मेरा प्रभु आपसे कहना चाहता है, आपके लिए परमेश्वर ने कुछ कल्पनाओं को रखा है जो वो केवल जानता है, वो केवल उसको जानता है। परमेश्वर आपका हानि के लिए कोई भी चीज रखा नहीं, आपका कुशलता के लिए है। अयो मैं ऐसे परिवार में कैसा जन्म लिया, आपका हानि नहीं, आपका कुशलता है। अयो मुझे ऐसा पत्नाओं को रखा है, तुम्हारा हानि के लिए नहीं, तेरा कुशलता के लिए। वाह 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 वाह, हालेलुया। वो एक वचन काफी है आपके निराशा को हटाने के लिए, क्योंकि मैं प्रभु का वचन में विश्वास करता हूं, मेरा लिए प्रभु रखा हुआ योजनाएं मेरा हानि के लिए नहीं, मेरा कुशलता के लिए है। परमेश्वर की योजनाएं तेरा भविष्य के लिए आशा देने के लिए है, तेरा भविष्य महिमानित बनाने के लिए। ये कमरे में अगर आप हैं और Zoom, Facebook, YouTube, जो कोई माध्यम से आप देख रहे हैं, निश्चय हो जाओ तुम बर्बाद नहीं होंगे। परमेश्वर तेरा कुशलता के लिए सोच के रखा है, तेरा भविष्य के लिए सोच के रखा है, तेरा आशीष के लिए सोच के रखा है। कौन होता है जो दूसरों का कुशलता के लिए सोचेगा? हम होने से हमारे परिवार वालों का भलाई सोचेंगे, है ना? तुम खाना खाओ, उस मम्मी उसके पास नहीं है, उसको जाए मरने दो, तुम खाओ पहले, है ना? हम हमेशा अपने लोगों का कुशलता करें। ओ मम्मी उसके पास एक कपड़ा नहीं है, तुमको दिया ना, तुम चुप रहे, वो लोग अपना माँ बाप देख लेगा। हम हमेशा अपने लोगों का कुशलता के लिए कोशिश करेंगे, अपने लोगों का भलाई के लिए सोचेंगे। पर ऐसा तो परमेश्वर क्यों हमारे भलाई के लिए सोच रहा है? वाव, आपने सुना क्या लिखा हुआ है, हम परमेश्वर के हाथों के द्वारा सिर्जे गए, इसलिए वो हमारे बारे में अच्छा सोचता है। एम्पलीफाइड बाइबल में इसलिए ऐसा लिखा हुआ है, फॉर वी आर द वर्कमैनशिप हिज मास्टरवर्क वर्क ऑफ आर्ट, यानी वो उसका बेस्ट जो बनाया वो हम है। आप सोचते हो मैं बहुत काला हूं, परमेश्वर वो शेर में आपको बेस्ट बनाया है। परमेश्वर ने जब आपको बनाया है, आपको परमेश्वर ने बेस्ट बनाया है। यू आर द बेस्ट इन द हैंड ऑफ गॉड, आप परमेश्वर के द्वारा रचाया हुआ चीजों में से आप बेस्ट है। हालेलुया।